मैं हूँ रिकी शर्मा और मेरे साथ भाई आज जाना माना पत्रकार हरियाणा का और कंट्रोवर्सी में रहा काफ़ी और मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो मेरे साथ भी हो सकती है, बाकी मेरे को लेना देना नहीं किस चीज़ से। तो आज चैलेंज विद रिकी शर्मा शो में मेरे साथ में है दैया के नाम से जानता हूँ भाई को, ठीक है, लव कुछ दैया, लव कुछ मतलब लव मता होता होता कि प्यार और कुछ तो अपना वो है कराया लेकिन नाम बड़ा प्यारा है, ठीक है, ज्ञान से। और चैलेंज में रिकी शर्मा में आपका स्वागत है लव कुश भाई, भाई राम राम, क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई, तो तुमने राम राम और बुला रखा हूँ, पता नहीं क्या करवाओगे, क्या निबला लुबरापट्टी थी ऑडिशन है, वहाँ चलो चलते हैं, ये 5 लाख रुपए देकर पूर्ण ना होगा सारे बाजे बाजे। ये मैं इसका शो का फॉर्मेट बता दूं, चैलेंज विद रिकी शर्मा शो में है कैसे, अगर आप इस शो में आते हैं जी और इस शो को जीतते हैं जी, जीतेंगे आओगे तो जीत गए अगर तो आपको 5 लाख मिलेंगे और देन उसके बाद किसी टीवी रियलिटी शो में जाने का आपको मौका मिलता है। और ये वीडियो मेरे यूट्यूब के वीडियो वो बंदे देखते हैं जो बड़े शो बनाते हैं, ठीक है, तो आई होप कि हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात है, हरियाणा के कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो कि अपने आप को दिग्गज मानते हैं पुरंदर मानते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इस शो के अंदर जो नॉर्मल घर से हैं, मतलब कि जिनके पास मतलब मेरी तरह गरीब है, अगर मैं किसी और कलाकार को बोल दूँ उन्हें कहाँ भाई तू बोला शो मैंने बोला ठीक है, और जो अपने आप में एंडी जो बन रहे हैं कलाकार हाँ उनके लिए भी इसमें है, क्योंकि वो गरीब बालक भी और वो एंडी बन रहे वो भी, उन दोनों को मैं इस शो में ले आके एक बराबर करता हूँ, ठीक है। तो लव कुश भाई ये बताओ कि अब जो हम ये ऑडिशन ले रहे हैं आपको ये तो नॉलेज हो कि कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे बिल्कुल पता है कहाँ पे हरे रोड तक नगर है, रोड तक नगर है कहाँ पे है बताओ मेरे को दर्शकों को भाई, आरएस कैफे एंड पार्टी हॉल है, अरे मैं बता दिया तुमने लेकिन ऑडिशन आज ही हम कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑडिशन मान के चलो आप पहले शूट हो चुका है, ऑडिशन के चक्कर में मत आए यहाँ पे, बाकी आपको आना वैसे आ सकते हैं, अगला अगर हम ऑडिशन रखते हैं तो आपको अगले ऑडिशन पर आपने अपडेट मिल जाओगी रिकी शर्मा के इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मेरा यूट्यूब पर सभी जगह लोकेश भाई का मिल जाएगी, ठीक है, अगर हम अगली बार यहाँ पे ऑडिशन रखते हैं तो हाँ शो तो लोग करते हैं, मतलब पेमेंट थोड़ी दी थी, नाम भी थोड़ा है बोलोगे, थोड़ा नाम क्या बोला यार, लोकेश कौन है, लव कुश यार, सब जानते हैं ना भाई, ठीक है, चलो जानते हैं, ठीक है। तो हम एक इस शो के अंदर एक होती है बैड न्यूज़ एक होती है गुड न्यूज़, ठीक है, और गुड न्यूज ये है कि अगर आप शो जीतते हैं तो आपको ये सब कुछ हो जाएगा, और जो बैड न्यूज को है वो अब शुरू होती है, और अभी आपकी लाइफ ऐसे है हरियाणा में आपकी रिस्पेक्ट है मतलब कि बराबर हवा, ठीक है, इस शो में अगर आप आते हैं तो आपके साथ ऐसे आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी, नीचे तो ना देखो मारो, न्यू न्यू देखो मैं नहीं मारूंगा, ठीक है, क्योंकि लोगों का ये होगा कि किसके साथ बैठा है यार क्या कर रहे हो, इस शो के अंदर ऐसे सवाल जवाब होंगे, ऐसे टास्क होंगे, तो मतलब कि ऐसे लड़का आ जाएगी, ठीक है, देन आप जीत जाते हैं, तो यही याद है ना आपको ऐसे करके शुरू करेंगे, ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, कुछ लोग कमेंट बोलेंगे तैयार तेरे को रिक्की मिला क्या, ये शो मिला क्या, क्या वगैरह बहुत चीजें होने वाली हैं आपके साथ में, कुछ को नया करेगा तो उसका साथ देना फर्ज बना है। और दूसरी बात ये कि आप अपने मर्जी से वीडियो बनवा रहे हैं, राइट, हाँ मर्जी मर्जी ना, कोई दबाव तो नहीं है ना, कोई दबाव, इस वीडियो के अंदर अगर आपने कुछ भी किसी के खिलाफ या अच्छा बुरा जो बोला वो वीडियो के अंदर सीधा अच्छा लेगा सीधा गलती भाई एडिट नहीं करनी, एडिट नहीं करनी, एडिट नहीं होगी, ठीक है, तो ये हमारी चैलेंज विद रिकी शर्मा की बुक, इस पे आप पहले बुक में दिखाओ के नहीं देख रहे हो, सुनो बुक के अंदर एक्चुअली देखो ये फॉर्मेट मेरा है, ठीक है, तो आपको इस पे कसम रख के कसम खा ली भाई, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी चीजें हैं बोल, हाँ जो भी चीजें हैं वो मेरी मर्जी से है, मेरी मर्जी से है, बस उसके जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी जान चली गई तो उसका जिम्मेदार रिकी शर्मा है, अरे नहीं 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 ठीक है, ये कॉमेडी हो जाएगी जरा सा, उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी आप ही की, चलो सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, रिकी शर्मा ना कोई इस चैनल वाला कोई भी इसमें शामिल नहीं है, राइट ओके, तो हम इस बुक को बोलते हैं सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ठीक है, उसका समझ ही रहोगे क्या लिखा है इसके अंदर, अच्छा तो इसके अंदर लिखा हुआ यार कुछ चैलेंज भी रिकी शर्मा में शो में आने के लिए आपको ऑडिशन देना, आप तैयार, जी 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 तैयार, कितनी तैयार, कितनी तैयार ना, तो अब इसका दूसरा सवाल ये है चैलेंज भी रिकी शर्मा शो में आपके वीडियो के साथ और आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, क्यों नहीं, एक्चुअली शो का फॉर्मेट है ये आपसे पूछा गया, क्यों का जवाब नहीं है,
आपके वीडियो के साथ या आपके साथ कोई भी छेड़खानी हो सकती है वीडियो के साथ, मतलब कि आपके साथ आपको वो नहीं है ना, मतलब तो मुझे लगता है कि यार अभी इसमें हाँ और ना दोनों ही तरह के 50-50 है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी से शुरुआत ऐसी हो रही है यार, ठीक है, पहले तो इतना जोश में आ रहा था कि हाँ भाई ये कर देंगे वो कर ना, सच्चाई बताओगे हमें हम क्यों एरिक की वैक्यू काम करेंगे फर्म मेरा। और तीसरे मतलब कि सवाल नंबर 3 क्वेश्चन बोलते हैं हम, चैलेंज विद रिकी शर्मा शो में आपको मतलब कि प्राइम औरत के साथ बेड शेयर भी करना पड़ सकता है, खुश कभी भी नहीं क्यों, मतलब कि बेड शेयर करना एक्चुअली जैसे कि एक शो के हिसाब से लिमिट के हिसाब से हर चीज होती है, इन आउट ऑफ लिमिट्स कुछ। अभी मैं एक चीज और डाल देता हूं इसमें, उस बेड पे अभी तो औरत थी या लड़की थी, अब उस बेड पे एक लड़की है, कोई दिक्कत नहीं शो के हिसाब से कुछ भी हो ओके। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सा और एक तवीज डाल देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर लड़का भी है लड़की भी है और किन्नर भी है, एक बेड है आप तीनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, शो के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, शो के हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए, गलत तो भाई तुम करोगे ना, अच्छा करोगे, मुझे क्या पता तुम उसके अंदर शो के कर क्या रहे हो, सही है सही क्या है, मतलब कि ठीक है या गलत है, गलत तो है गलत है जी, आपको क्या लगता है गलत है या सही है, गलत है, कैसे गलत है, गलत है किसी और की बहू बेटी के लोटांकी नहीं, इसका किसी होगा, एक बात बताओ आप, दूसरा बेड एडजस्ट करते हो तो थारा खींच जाएगा, नहीं प्रोडक्शन में देरी बंदी है, दूसरा की बहू बेटी की तैयार है इसके अंदर लेटने के लिए, तो हम तैयार नहीं, तो तैयार नहीं, नहीं तो मतलब की यहाँ पे काटा मारना, हाँ क्योंकि संस्कृति भी बहुत जरूरी है, संस्कृति में एक्चुअली इसमें है क्या, आप एक बात बताता हूँ आपको नॉर्मली सी, ठीक है हम बस में जाते हैं और तीन बंदे एक सीट पे बैठते हैं नहीं, तो भाई वो बेड आ गया उस बेड के रेट का तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको पूछना तरीका और कुछ था अगर हम देखें ना तो बस के अंदर जाते हैं तीन बंदे तीन सीट होती हैं अलग अलग के होते हैं ना, राइट या रॉन्ग, ना ठीक से, ठीक से ना, तो अगर देखा तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर माइंड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इससे अगर वो लड़खड़ा आया देखते हैं भाई क्या होगा, तो तुम तैयार हो मतलब, तैयार पूरे तरीके से तैयार, पूरे तरीके से तैयार नहीं, अगर मान लो अगले लेवल पे हम बुलाते हैं आपको, ठीक है आप बोलोगे बाद में वो बैड लगता है वो सेट लगता है, तो आप बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा भाई तुम पागल थोड़ी यार, इतना पैसा वहाँ खर्च करेंगे आपसे ही आगे प्रोडक्शन है यार, और बैड नहीं ले देगी मारे क्या, प्रोडक्शन एक बैड और नहीं ले देगी, नहीं शर्मा प्रोडक्शन तो कुछ भी लाज का है, वो बात नहीं भाई एक्चुअली पता कि मेरा ये इसमें कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है बात खत्म, और आपको चलिए इसके इस सवाल पे कट है ये क्विक हो गए आपके भाई बिल्कुल जी, तो अभी ये कि चैलेंज थी कि शर्मा शो में सवाल आपका 5वां आ चुका है, आपको बर्फ की सीढ़ी पे लेटाया जा सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, और बर्फ की सीढ़ी पे लेटाने के बाद क्या होता पता आपको, कॉकरोच छोड़ दोगे सांप छोड़ दोगे, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे नहीं कहीं और फेस पे, हाँ और मुझे नहीं लगता कि यार तेरी हाइट और तेरी पर्सनालिटी को देख कोई बीक देगा, तो इसलिए तेरे को मैं वहाँ पे किन्नर या इंजराई बना सकता हूँ, यू एग्री, मुझे लगता है कि क्योंकि हर बंदा ही बोलेगा बीक के लिए फिट हाथ पैर सलामत है, तो मुझे लगता है वो बीक आपने बीक चाहिए हम बीक ला के देंगे, नहीं शो का फॉर्मेट है ना, लते पर चोट प्राधियो की से प्राधियो, मतलब कि ये वाला सिस्टम पसंद नहीं ना, एक और तो बनाए तो ना, तो यार मुझे लगता है कि आप बताओ यार इस बंदे को कोई बीक देगा, ऐसे मुझे लगता है कि कोई बीक देगा इसको, भाई गरीब का बालक सी आथानो कर लूंगा ए हर पैन और बांगे कर लूंगा के चढ़ के सरता पड़ूंगा भाई, बीक चाहिए ना, हां बीक मिलेगी आम खावरे की भाई, अब शो में तो जाओ, मेरा मतलब ये कि मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, वो इस बात का सवाल का जवाब दे ही नहीं रहा, ठीक है घुमा फिरा के इधर डायरेक्शन बताता है, ठीक है तो वो डायरेक्शन अपने को चाहिए नहीं, अब देखते हैं कि ऑडिशन की मन लग गया मेरी बाहर निकालने की तैयारी चल रही, तैयारी बाहर निकाल की नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से हो और मैंने जहाँ तक आपकी वीडियोज देखी तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद कहीं ना कहीं अगले लेवल के लिए आपके पास कॉल जरूर रहेगी, मेरी तरफ से रहेगी, अब देखते हैं क्या होगा, सिलेक्शन होगी देखते हैं क्या होगा, वो तो
ऑडियंस पे डिपेंड है और प्रोडक्शन पे डिपेंड है, टीम पे डिपेंड भाई ऑडियंस पे डिपेंड है तो बात इसी है भंडारा लागण दो हो रहा है मेरा ऑडिशन फाइनल होते हां इसका भाई कौन बंदा चाहता है कि ये शो में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और लव कुश दहिया को कौन कौन जानता मेरे YouTube चैनल पे कौन जानता ये जानना मेरे को जरूर एक बार कमेंट करके बता दे दिखा दे थोड़ा झटका है भाई ठीक है देखते हैं कि कितना वीडियो भाई हमारा भी क्वेश्चन है फिर की क्या 5 लाख पक्का दोगे भाई 5 लाख भी मिलेगा रियलिटी शो का मौका भी अभी रियलिटी शो में तो चलो हम चले जाओ 5 लाख की बताओ बाकी से की है पक्का ये तो 5-0 लगा रखी है 5-0 अरे पक्का भाई पक्का अच्छा भाई चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच भाई ठीक है आज ऑडिशन यहाँ पे अभी और लेंगे ठीक है अभी थोड़ी देर यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नीचे वेट कर रहे हैं बंदे ठीक है देखते हैं और कुछ बंदे वेट करते हैं ठीक है उनका हम यूट्यूब पर डाल नहीं पा रहे रीजन ये कि सभी काम नहीं डाल सकते यार ठीक है कुछ कुछ जो शॉर्टेज होते हैं उसका हमें डालना पड़ता है क्योंकि ऑडिशन में आपने रियलिटी शो में देखा बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं कुछ ही बंदे फोर्थ लेवल में जाते हैं वो टीवी राउंड पे आते हैं तो ये भी एक पहले ऑडिशन होता है देन उसके बाद यहाँ तक पहुँचते हैं तो थैंक यू सो मच बाय जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान जय भगत सिंह लव यू सभी को